दोस्तों, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान 1950 में लागू हुआ। उसके बाद ही हमें पता चला हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। पर हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का है, जो कि एक्ट पास करके बनाया गया था। तो ऐसे में सबके मन में सवाल आएगा, हमारा ICAI कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बन गया, यानी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हिस्ट्री क्या है, पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन था हमारे देश का, ICAI का ये लोगो कैसे बना, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, तभी एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, ICAI वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, जो हमारे इंडिया के कंपनीज की ऑडिट और अकाउंटिंग को रेगुलेट करती है। अब ऐसे में सवाल ये आती है, 1949 से पहले जब ICAI नहीं था, तब कंपनीज की अकाउंट्स कैसे रेगुलेट होती थी, ऑडिटर्स कैसे अपॉइंट होते थे? तो ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ साल पीछे जाना होगा, 1857 के ब्रिटिश राज में, जब इंडिया की फर्स्ट कंपनी एक्ट आ गया था। उस टाइम कंपनीज को कैसे अपनी अकाउंट्स मेंटेन करनी होगी, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके, और उसके लिए कुछ लॉज भी बनाए गए थे। पर इस वाले कंपनी एक्ट में प्रॉब्लम थी, जिसे देखकर 1913 में फिर से ब्रिटिशर्स ने नया कंपनी एक्ट इंडिया में लागू की। इस एक्ट में स्पेशली मेंशन था कंपनीज को कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, और उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के तहत ऑडिटर्स को अपॉइंट करवाए गए थे। कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ऑडिटर्स को सर्टिफिकेट भी इशू करवाए जाते थे। फिर ऐसे कुछ साल बीत गए, फिर 1918 में कंपनीज की ऑडिट और अकाउंट्स देखने के लिए एक डिप्लोमा कोर्स लॉन्च किया गया, जिसके इंस्टीट्यूट का लोकेशन बॉम्बे में था, जिसमें 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड भी मैंडेटरी था, जो ट्रेनिंग अभी भी आप अपने CA कोर्स में देख सकते हो। खैर, इस डिप्लोमा का नाम दिया गया गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। ये डिप्लोमा जो भी पर्सन कर लेता था, वो पूरे इंडिया में अकाउंट्स और ऑडिटर के पोस्ट में काम कर सकता था। पर इस कोर्स को बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। पर 1930 में उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रजिस्टर मेंटेन करने का डिसीजन लिया गया, जिसे रजिस्टर ऑफ अकाउंटेंट्स कहा जाता था। जिन लोगों का उस रजिस्टर में नाम होता था, उनको ही सिर्फ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम करने का अधिकार था, और उन्हें रजिस्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता था। पर उसके बाद हुआ ये, जो काउंसिल के गवर्नर थे, उनके पास पावर आ गया ऑडिटर्स को सर्टिफिकेट देने का, जो अधिकार पहले लोकल गवर्नमेंट के पास था। और उसके 2 साल बाद 1932 में एक अकाउंटेंसी बोर्ड स्टैब्लिश हुआ, जिसे इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड कहा जाता था, जिसका काम काउंसिल को एडवाइस करना था ऑडिटर्स का क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। और 1933 में पहला एग्जाम भी कंडक्ट करवाया गया। इस एग्जाम को आप पहला चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम भी मान सकते हो। 1943 आते आते ये काउंसिल भी डिसॉल्व हो जाती है, और इसी साल लास्ट एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद देखा ये गया अकाउंटेंसी प्रोफेशन काफी अनरेगुलेट हो गया था। पर इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था, जिससे हमारे देश की अकाउंटेंसी प्रोफेशन में रिवोल्यूशन आने वाली थी। इंडिया आजाद होता है 1947 में, अब इंडिया में हमारी सरकार थी। तभी 1948 में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया, रेकमेंडेशन देने के लिए कि ये जो अकाउंटेंसी प्रोफेशन अनरेगुलेट हो चुकी थी, इसे रेगुलेट कैसे किया जाए। कमेटी का रेकमेंडेशन था एक सेपरेट और ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए, जिसका काम सिर्फ इस प्रोफेशन को रेगुलेट और क्वालिटी मेंटेन करना होगा। और हमारे गवर्नमेंट ने इस रेकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया, और पास हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949। और इसी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया। अब इंस्टीट्यूट बन गया था, पर ICAI को अपना लोगो नहीं मिला था, यानी चिन्ह, एम्बलम। अब इसके लिए CACS शास्त्री, जो उस समय के चेन्नई में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने श्री अरविंदो, जो एक फिलोसोफर थे, उन्हें लेटर लिखा ICAI को एक एम्बलम देने के लिए। तो श्री अरविंदो ने ICAI की लोगो डिजाइन करी थी गरुड़ और एक श्लोक से, यह सप्तेषु जागृति, यानी सोते हुए लोगों के बीच जागते रहना। ये श्लोक कथोपन्यास से ली गई थी। अब इस एम्बलम को ICAI के काउंसिल के फर्स्ट मीटिंग में पेश किया गया, और 15 अगस्त 1949 ICAI की एम्बलम भी अप्रूव हो गया। दोस्तों, ये तो थी ICAI की हिस्ट्री, ICAI कैसे फॉर्म हुआ, लोगो कैसे मिला। अब बारी है ये जानने की ICAI का पहला मेंबरशिप किसे मिला था। जिस दिन ICAI की एम्बलम यानी लोगो अप्रूव हुआ, उसी मीटिंग में CA गोपाल दास पदम से कपाड़िया को प्रेसिडेंट का भार सौंपा गया, और उन्हीं को ICAI का पहला मेंबरशिप दिया गया।
मतलब जीपी कपाड़िया इंडिया के वो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिनको पहला मेंबरशिप मिला था आईसीआई का। तो अब बात कर लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कैसे बन गया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट दोनों अलग अलग चीज होती है। एक्ट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नहीं होते, तभी आईसीआई एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आ गया था। आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।